पाचपौली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कलकत्ता लाइन पटरी के पास एक कुख्यात अपराधी को धारदार शस्त्रों के साथ घूमते हुए पकड़ा गया है। जब कार्रवाई के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है। आइए देखते हैं विस्तार से। दिनांक 3 अक्टूबर की रात 12:45 पर 29 वर्षीय अपराधी मुकेश राजू गेड़ाम को धारदार शस्त्रों के साथ घूमते हुए पकड़ा गया। दरअसल इस बात की गुप्त सूचना पहले से ही पाचपौली पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर जाल बिछाते हुए संदिग्ध ने अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा गया। गौरतलब है कि अपराधी प्रवृत्ति के इस युवक पर पहले से ही कई गुना दाखिल है, जिसके आधार पर कार्रवाई कर आगे की जांच जारी है, जिसकी जानकारी दी पाचपौली पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक राजेश डोंगरे ने। हमारे यहाँ जो तपास पथक है उसके हेड है हेड कांस्टेबल पवन भटकर, इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई एक क्रिमिनल है जो ये कलकत्ता रेलवे लाइन है हमारे बाजू में, यहाँ कोई हथियार लेके घूम रहा है। वो अपने टीम के साथ और पंचों के साथ उस स्पॉट पर पहुंचे। वहाँ एक मुकेश राजू गेड़ाम उम्र 29 वर्ष रहना महादेव मंदिर के पीछे गोंडपुरा शोभा के पुलिस स्टेशन पाचपौली, ये उनको एक तलवार के साथ रेड हैंड मिला। उन्होंने उससे वो तलवार जब्त किए है, आरोपी अरेस्ट है। हमारे सीनियर साहब माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री वैभव जाधव साहब, इनके गाइडलाइन में उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। वो तलवार लेके क्यों घूम रहा था, उसका इंटेंशन क्या था, वो रिकॉर्डेड है क्या, इसके पहले उसके ऊपर कितने गुने दाखिल है, इन सब बारों में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। अजय जी, हमारा जो स्टाफ है वो काफी काबिल है और वो रात दिन पूरी मेहनत करते हैं कि यहाँ क्राइम ना हो, लोग जो है यहाँ सुरक्षित रहे। हम हमारा 100% देंगे। लोगों से भी अपील है कि उन्होंने हमारा साथ देना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।